हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा टैंक। मेडिसिन और हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ सिस्टोन टेबलेट के बारे में। यह एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, हिमालय वेलनेस कंपनी द्वारा इसे बनाया जाता है। दोस्तों, इस टेबलेट को मेनली किडनी स्टोन्स को खत्म करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, किडनी स्टोन्स को निकलने के अलावा और किन किन प्रॉब्लम्स में आप इसे ले सकते हो, इस टेबलेट की क्या डोसेस है और इस टेबलेट की क्या क्या प्रिकॉशंस और साइड इफेक्ट्स है, यही सब बातें मैं शेयर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करता हूँ एक छोटा इंट्रो के बाद। दोस्तों, अगर बात करें इसकी कंटेंट्स की तो आप देख सकते हो काफ़ी सारी जड़ी बूटियों को मिला के इसे बनाया जाता है। इसमें है शिला पुष्पा, पसनवेदा, मंजिष्ठा, नगरामस्ता, अपामर्गा, गोजिहा, शाहदेवी, हजरुल यहूदवशमा और शिलाजीत। दोस्तों, अगर बात करें सिस्टोन टेबलेट की यूजेस की तो इसे मेनली किडनी स्टोन्स को निकालने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, स्टोन चाहे किडनी के अंदर हो या यूरिनरी ब्लैडर में हो या फिर पेशाब की नली में हो, उन्हें निकालने के लिए ही इस टेबलेट को दिया जाता है। दोस्तों, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में भी इस टेबलेट को दिया जाता है। पेशाब करने के दौरान दर्द होने पर या जलन होने पर या फिर पेशाब रुक रुक के आने पर भी इस टेबलेट को दिया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें सिस्टोन टेबलेट की डोसेस की तो इसकी डोज डिपेंड करते हैं पेशेंट की एज और सीवियरिटी ऑफ द डिजीज के ऊपर, यानी पेशेंट्स को प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है उसके बेसिस पर ही इस टेबलेट की डोज को डिसाइड किया जाता है। अगर बात करें इसकी नॉर्मल डोसेस की तो एडल्ट पेशेंट्स को सुबह 2 टेबलेट और शाम को 2 टेबलेट खाना खाने के बाद में दिया जाता है। 13 साल से 18 साल के उम्र के बच्चों को सुबह शाम 1-1 टेबलेट खाना खाने के बाद में दिया जाता है। दोस्तों, जब पेशेंट की हालत थोड़ी सुधरते हैं यानी जब पेशेंट की सेहत ठीक होने लगते हैं तब डॉक्टर इसकी डोज को रिड्यूस भी करते हैं। दोस्तों, इस टेबलेट को कभी भी खुद से ना ले। मेरा कोई भी वीडियो सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट नहीं करते हैं। कभी भी किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर करें। डॉक्टर आपको जो डोज रिकमेंड करे उसी डोज को ही फॉलो करें। अगर बात करें इस टेबलेट की ड्यूरेशन की तो पेशेंट टू पेशेंट इसकी ड्यूरेशन अलग अलग होता है। नॉर्मली इसे 15 दिन से लेके 3 या 4 महीने तक दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं इस टेबलेट की प्रिकॉशंस के बारे में, यानी इस टेबलेट को लेते दौरान क्या क्या सावधानियाँ लेना है उसके बारे में। मगर इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। ऐसा करने से मैं आगे जितना भी वीडियोस अपलोड करते जाऊंगा उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप मेरी वीडियोस को देख पाएंगे। दोस्तों, अगर बात करें सिस्टोन टेबलेट की प्रिकॉशंस की तो प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान महिलाएं इस टेबलेट को ना लें या अगर लेना चाहते हैं तो डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर करें। लीवर और हार्ट के मरीज भी इस टेबलेट को ना ले या अगर कोई लेना चाहते हैं तो डॉक्टर से सलाह करके ही इस टेबलेट को ले। इस टेबलेट को लेते दौरान अनियन, गार्लिक, कॉफ़ी, रेड मीट, इन्हें जितना हो सके अवॉइड करें। इस टेबलेट को लेते दौरान स्मोकिंग और अल्कोहल को भी अवॉइड करें। अगर बात करें सिस्टोन टेबलेट की साइड इफेक्ट्स की तो यह एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। रिकमेंडेड डोज में इसे लेने से इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं दिखाई देते हैं। मगर दोस्तों, इसे ओवरडोज में लेने से इसकी कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, जैसे नोजिया और वोमिटिंग होना, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर कम होना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होना और स्टोमक अपसेट जैसे कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। दोस्तों, अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम दिखाई दे तो तुरंत इसे लेना बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। दोस्तों, सिस्टोन टेबलेट की यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको किसी दूसरी मेडिसिन की रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय बाय।